नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल RAS एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2018 का मामला लेवल 2 में जो तीसरी वरीयता सूची है उसको आरी विसंगतियों को लेकर जो अपडेट है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वरीयता सूची को जारी करने की मांग की है और सूची में जो विसंगतियाँ हैं उनको लेकर अभ्यर्थियों ने काफ़ी रोष है। तो बात करते हैं इस पूरी अपडेट की ओर। अगर आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइबर बराबरी बने बेल आइकन को दबा दें, आपको चैनल के माध्यम से निश्चित ही मदद मिलने वाली है। देखते हैं खबर क्या है। तो तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2018 में के लेवल 2 में तीसरी वरीयता सूची में जो आरी विसंगति है उसको दूर करने की मांग को लेकर राजस्थान है बेरोजगार एकीकृत महासंघ ने इसकी मांग की है कि प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को सौंपे ज्ञापन में चयनित शिक्षकों ने अवगत करवाया कि संस्कृत विषय में 82%, सामाजिक में 40% से अधिक पद खाली है, रिक्त है। इसी तरह विज्ञान है, हिंदी है, गणित है, अंग्रेजी विषय में भी पद रिक्त होने के कारण एक ही अभ्यर्थी का चयन एक से अधिक विषय में होना निश्चित है। जो अभ्यर्थी इसी भर्ती के माध्यम से हिंदी या अंग्रेजी विषय में कार्य ग्रहण कर चुके हैं उन्हीं अभ्यर्थियों का नाम संस्कृत तथा सामाजिक चयन सूचियों में बार बार आ रहा है। उन्होंने आग्रह किया है कि इस समस्या का समाधान करते हुए लगभग 3500 बेरोजगारों के परिवारों का कल्याण करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए तीसरी वरीयता सूची को जारी कर दिया जाए, यानी उनको तीसरी वरीयता सूची को जारी करने की उन्होंने मांग की है। इसके लिए उन्होंने काफ़ी रोष है, प्रदर्शन भी किया है। अब देखते हैं तीसरी वरीयता सूची जारी होती है या नहीं होती है। मिलते हैं अपने अगले अपडेट के साथ। धन्यवाद।